हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और गाइस, आज एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पोकेमोन ओमेगा रूबी को। तो लास्ट टाइम गाइस, यहां पर एक बड़ा सा क्रीचर जाग चुका है जिसे कहते हैं ग्राउडॉन, एक डायनासोर जैसा पोकेमोन जो कि बेसिकली एंशियंट पोकेमोन है और अब वो उड़ गया है अपनी हजारों सालों की नींद से। और आज हम जाने वाले हैं उस बड़े से डूड को रोकने के लिए, पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को बचाने के लिए, पूरे होइन रीजन को बचाने के लिए। पूरा पोकेमोन वर्ल्ड खतरे में है। और पता नहीं गाइस, ऐसे मुझे क्यों लगता है कि हर बार एक 10 साल का बच्चा इस दुनिया को क्यों बचाता है यार। मतलब इतने बड़े बड़े जिम लीडर्स क्या कर रहे हैं। हालांकि स्टीवन स्टोन भी कोशिश कर रहा है इस वर्ल्ड को बचाने की, लेकिन असल में तो हमें ही बचाना है इस पूरी की पूरी दुनिया को। तो आज हम करने वाले हैं अपना मिशन पूरा, और आज शायद हम लोग पकड़ ले ग्राउडॉन को। आज शायद उसे प्राइमल फॉर्म भी मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लास्ट वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा ओपी था इससे पहला वाला एपिसोड। तो अब हमें जाना है ऊपर साइड में, यहाँ से देख सकते हैं शार्पीडो कितना ज्यादा तेज है। और ग्राउडॉन बढ़ रहा था सूडोपोलिस सिटी की तरफ, तो हम लोग सूडोपोलिस सिटी में। ओ गॉड, ओ बाप रे, कितनी तेज रोशनी है, मतलब मेरी आंखें एकदम भावुक हो गई हैं। ओ चकाचौंध हो चुकी हैं आंखें, कह सकते हो ये वर्ड सही होगा एकदम। भाई साहब कितनी ज्यादा रोशनी थी। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ से कुछ लेनी है अल्ट्रा बॉल्स। सबसे पहले ले लेते हैं कितनी, 15-20। भाई ग्राउडॉन चाहिए तो मुझे नहीं पता कितनी लगेंगी, 30-29 इतनी काफ़ी होंगी कि और ले लें। आई थिंक इतनी काफ़ी होगी। मैक्स रिपेयर थोड़ी नहीं, मैक्स रिपेयर नहीं चाहिए, बहुत है। एनीवेज यहां से निकलते हैं एक और नया सुहाना दिन। लेकिन यहां पर ये सुहाना दिन बहुत बड़ा खतरा है। बेसिकली यहां पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है सभी के सरों पर, और हमें बचाना है इस पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को। और साइकिलिंग करेंगे, कितनी ज़्यादा रोशनी है यार यहाँ पर। एनीवेज ये रहा स्टीवन स्टोन। हनी, सो यू डिड कम, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। वॉट टेरेबल हीट। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है ग्राउडॉन की पावर की वजह से। इट फील्स एज दो द एंटायर वर्ल्ड विल बी बर्नड अवे। वाओ, यस यू नीड टू हियर वॉट माई फ्रेंड हैज टू सी। ओके, ये आई थिंक वॉली है, कौन है ये, वॉली? माय नेम इज वॉलिस। अच्छा वॉलिस, आई एम दिस टाउन्स जिम लीडर। आई आल्सो बीन इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द केव ऑफ ओरिजिन। दिस ड्रॉट इज बीइंग कॉज्ड बाय अ पावर एमिनेटिंग फ्रॉम द केव ऑफ ओरिजिन। ठीक है, दैट इज द ब्लू ऑर्ब। हमारे पास में है ना ब्लू ऑर्ब, आई सी, फॉलो मी। और जैसा शायद गाइस मैंने सोचा है इस वाले गेम मतलब ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मुझे लगा था ग्राउडॉन काइगर की लड़ाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस वाले गेम में। दिस सनलाइट, पीपल एंड पोकेमोन नीड सनलाइट टू लिव, सो व्हाई डज दिस सनलाइट फिल अस विथ सो मच ड्रेड। क्योंकि ऑफ कोर्स ये उस पोकेमोन की गर्मी है ना। द ब्लेजिंग सन ओवर सूडोपोलिस इज ग्रोइंग इवन मोर इंटेंस, सून ऑल ऑफ होइन विल बी कॉच अंडर इट्स विदरिंग ग्लेयर। मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब हद वाली गर्मी यार, जितना हम सहन नहीं कर सकते। और सच में यार, अगर मतलब हमारे यहाँ रियल लाइफ में भी जरा सी भी गर्मी हो जाए ना, तो मुझे सहन नहीं होती है। तो सोचो वहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाप रे, वो लोग कैसे सह रहे होंगे। और ये आ गए कार्यकर्ता, इसी की वजह से हुआ था जो कि भी कुछ हुआ है, मैक्सी की वजह से। क्यों रे मैक्सी, क्या कर रहा था तू? ओके, एनीवेज आई बीन वेटिंग फॉर यू। इसको तो मैं सिर फोड़ दूँ यार। एनीवेज यहाँ पर ये क्या करने वाला है, मैग्मा सूट। अच्छा, हमें ये सूट दे रहा है जिससे हम जा सकें उनके पास में। वाह वाह वाह, इसका यूज़ करके हम उसके पास में जा सकते हैं, वरना इतनी गर्मी में ग्राउडॉन के पास में जाना जानलेवा है। शायद इसलिए इन्होंने अपना सूट दिया हमें, क्योंकि टीम मैग्मा भी गर्मी में रहती है ना, शायद इसलिए। वाइल द ब्लू ऑर्ब हैज़ द पावर टू रिवर्स दैट एंड काल्म द बीस्ट। अच्छा, ब्लू ऑर्ब उसे शांत कर सकता है, और ब्लू ऑर्ब हमारे पास में है तो ऑफकोर्स हम उसे शांत कर सकते हैं और होइन रीजन को बचा सकते हैं। नाइस, बहुत ही अच्छी क्वेस्ट है यार। हनी, टू थिंक दैट यू हैड द ब्लू ऑर्ब। ओके, आई थिंक मेरी बैटल होने वाली है। नो मैन और वुमन फ्रॉम सूडोपोलिस इज परमिटेड टू एंटर द केव ऑफ ओरिजिन, बट यू मस्ट गो टुगेदर विद योर ब्लू ऑर्ब। यू मस्ट गो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अवेट्स फॉर यू इनसाइड दैट केव। वी ऑल्सो गेट अवर पीपल टुगेदर अप टॉप हियर टू हेल्प एनी फोक्स एंड पोकेमोन इन ट्रबल। अच्छा, ये लोग भी मदद कर रहे हैं, चलो दे रहा है दुरुस्त आए, मदद तो कर रहा है एटलीस्ट। मैक्स ये पगला कुछ भी करता रहता है।
द फेट ऑफ अरे यार एक 10 साल के बच्चे के हाथों में पूरी होन रीजन की किस्मत, देख रहे हो? ये है लेजेंड्स, ये है मतलब टीम मैग्मा की पावर, एक 10 साल के बच्चे के हाथों में पूरे होन रीजन की किस्मत दे रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये सच में सही है? एक 10 साल के बच्चे के हाथों में पूरा का पूरा होन रीजन का फ्यूचर देना, ओ गॉड, सच में कितने ज़्यादा लापरवाह हैं। एनीवेज चलते हैं गाइस इसके अंदर बचाने होन रीजन को। ये खोले गेट, ओह मुझे नर्वसनेस आ रही है, मुझे नर्वसनेस आ रही है, उस डायनासोर से मुझे अकेले बैटल करनी है। इतनी अंधेरी गेम में मैं तो रियल लाइफ में होता कभी ना जाता, सच बोल रहा हूँ मैं, सच्ची कभी ना जाता, बोलता भाई तुम ही लोग जाओ, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाने वाला भाई। आखिर क्यों, इतने बड़े बड़े लोग किसी काम के हैं या नहीं? शायद ये लोग कुछ काम के हैं भी नहीं वैसे भी। एनीवेज मेरे को ही जाना पड़ेगा। स्टीवन स्टोन हमारी इंस्पिरेशन था, लेकिन अब मुझे लग रहा है उसे हमसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। मैं तो वैसे भी इस गांव का हीरो बनने वाला हूँ, उस पूरे होन रीजन का, इस शहर को बचा के। चलो साइकिल चलाएंगे यहाँ पर हम वैसे भी। ओके यहाँ पर बहुत, ओ भाई अर्थ शेक हो रहा है। वैसे मुझे जाना कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं पता, लिटरली यार मुझे नहीं पता मैं जा कहाँ रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ। आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि धरती एकदम हिल रही है तो शायद हम सही ही जा रहे हो। ये देखो, ओ भाई क्या हो पड़ा है, अरे अरे अरे, हर 2 कदम पर जमीन हिलना जरूरी है क्या, हमें रुकना पड़ता है? चलो भाई फिर हिलेगी, ये देखो मुझे लगा ही था ना भाई, धरती ना हिले ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर हिलेगी देखना। ओके फिर हिली, ये देखो, ओ भाई हम पास ही में है शायद, ओ पहुंच गए, वाओ इतनी जल्दी। यार नर्वसनेस हो रही भाई, ग्रोडोन की एंट्री देखो, ये आ गया डायनास, और सच में मेरी फटके हाथ में आ जाती है अगर रियल लाइफ में ये मेरे सामने आ जाता तो। और ये पहन लिया हमने सूट, वाओ मैग्मा सूट, नाइस, लॉजिकल, सच में लॉजिकल बात है ये। और ब्लू ऑर्ब भी हमारे पास में, जिससे हमारी रक्षा होगी और हमें इसकी एनर्जी का कुछ भी नहीं होगा। वाओ 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 वाओ, ग्राउडन आ रहा है भाई, भाई साहब ओपी ग्राउडन आ चुका है गाइस, डायनासोर से लड़ाई। यू कैन हियर अ वॉइस फ्रॉम विद इन द मैग्मा सूट, अच्छा इतनी तेज आवाज है कि हम उस मैग्मा सूट के अंदर से भी सुन सकते हैं। डू यू रीड मी, इट इट्स द ग्रेट मैक्सी, आर डिवाइस बिल्ड इन टू दैट सूट यू हैव, डोंट अलाउ मी टू टॉक टू यू, अच्छा वो हमसे बात कर सकता है इस की मदद से, सूट के अंदर कोई ऐसा डिवाइस लगा है। यू मस्ट लिसन, डू नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड, लीप अपॉन ग्राउडन्स मल्टी बैक, ठीक है तो हमें बैटल करनी है शायद इससे। द साउंड कट आउट, अच्छा साउंड भी कट गया, अब पता नहीं क्या होगा। ओ चलो गाइस तो यहां पर चल, ओ ये क्या कर रहा है ग्राउडन, अरे हम इसके ऊपर कैसे आ गए, व्हाट द फन, वाई साहब डायनासोर की सवारी, ये तो क्या कर रहा है ब्रैंडन भाई, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, भाई साहब भाई व्हाट, ओ ये हमें कहां ले आया, ये तो कुछ अलग ही है, जो मैंने नहीं सोचा था वो हो रहा है इसमें, वाओ हम इसकी सवारी कैसे कर रहे हैं, लेकिन बैठा कैसी है, और इसने हमें यहाँ पर छोड़ भी दिया। ग्राउडन मेरे साथ में है कि मेरा दुश्मन है, करना क्या चाहता है ये। और यहाँ पर मैंने कवच भी उतार दिया अपना, वाओ गाइस क्या ही जगह है, और ये चैलेंज करने के लिए है क्या, ये क्या है, ऑफकोर्स ये क्या है, हम वापस जा सकते हैं शायद यहाँ से, अच्छा मुझे यहाँ पर चैलेंज करना है, आ जा बेटू। गाइस मैं इसे चैलेंज करने वाला हूँ यहाँ पर, ओके ग्राउ, तो यहाँ पर मेरी बैटल हो गई ग्राउडन से, इसे आई थिंक मैग्मा स्टोन की पावर मिल रही है यहाँ पर, और आई थिंक अब ये अपने प्राइमल फॉर्म में आने वाला, क्या पोज है, क्या पोज है, आई थिंक गाइस इसे प्राइमल पावर मिल रही है, अब देखते हैं प्राइमल पावर के साथ में ये पहले से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये देखो मुझे लग रहा है प्राइमल ही पावर है ये, भाई साहब मैं रियली एक्साइटेड हूँ उस पोकेमोन का सामना करने के लिए।
वाओ 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 ओपी गाइस। तो यहाँ पर आ चुका है प्राइमल ग्राउडोन, क्या गजब लग रहा है यार। वाओ प्राइमल ग्राउडोन, इसकी पावर भी इंटेंस होगी और हमें इसे पकड़ना है। यार क्या पोज है ब्रैंडन, देखो कितनी हिम्मत के सामने इतने बड़े डायनासोर के आगे खड़ा है, मेरी तो फट के चार हो जाती। लिटरली बोल रहा हूँ मैं, सच में हम में से किसी की भी यार इतने बड़े पोकेमोन के सामने हालत ख़राब हो जाए भाई, मतलब तुम खुद सोचो, फट के चार हो जाए मेरी तो। तो यहाँ पर गाइस मुझे पहले सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये हार गया तो ये मुझे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। दैट इज़ वाई पहले गेम को सेव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुम भी ये करना मत भूलना। मैं भी कर लेता हूँ। सो गाइस मेरा गेम एकदम सेव हो चुका है, मैं इससे बेधड़क लड़ाई लड़ सकता हूँ, मतलब जैसा मेरी मर्जी आएगी मैं वैसा करूँगा, इसे मारूंगा पीटूंगा अलग करूँगा, मतलब ओ व्हाट, इतनी तेजी के साथ मैं हेल्थ गई ना भाई, मतलब एक सेकंड बिल्कुल वाला, एक माइनस वाला सेकंड होता जो क्विक वाला एकदम तुरंत, वैसे मैं हेल्थ गई। एनीवेज हमें इसकी बस हेल्थ कम करनी है, तो मैं पहले मेगा एवोल्यूशन का यूज़ ना ही करूँ तो बेटर है, मैं डबल किक से इसकी हेल्थ कम करूँगा। वैसे तो मैं अभी प्राइमल फॉर्म का, ओ भाई मैं इसे हल्के में ले रहा हूँ, लिटरली मैं इसे हल्के में लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर रहा हूँ जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। ऐसे में तो ये मेरे सभी पोक्समोन्स की वाट लगा देगा। हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पोक्समोन का यूज़ करेंगे, गार्डवॉर सही नहीं है, आई थिंक मुझे यहाँ पर मैनेट्रिक का यूज़ करना चाहिए। पहले मैं इसे पैरालाइज कर देता हूँ जिससे इसे पकड़ने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, थंडर वेव का यूज़ करते हैं जिससे ये पैरालाइज हो जाए। ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये पैरालाइज क्यों नहीं हुआ भाई साहब। यहाँ पर हमारा दूसरा पोकेमोन भी ख़त्म। ओके मेरी फट रही है अब लिटरली, इतना पावरफुल है ग्राउडोन। प्राइमल फॉर्म के साथ में ये कुछ ज़्यादा ही ओपी नहीं है, मतलब जितना नहीं सोचा था भाई। पहले अटैक क्या, उसे अटैक लग ही नहीं रहे लिटरली, ये वाले ग्राउडोन सो गया। नाइस, अच्छा ये हेल्दी हो रहा है सोकर, इसकी हेल्थ भर रही है, नाइस। एनीवेज हमें यहाँ पर डबल एच का यूज़ करना है, इसकी हेल्थ बस कम करनी है और फिर उसके बाद में इसे पकड़ेंगे हम। हमें भी असर हुआ इस चीज़ का, लेकिन ग्राउडोन सो रहा है ये अच्छी बात है, उसकी हेल्थ रिकवर होगी, लेकिन उससे पहले हमें इसे पकड़ना है। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अल्ट्रा बॉल्स का यूज़ करूँगा, एक बार इसकी हेल्थ बस कम हो जाए, एक बार और डबल एच का यूज़ करना है। नाइस, अभी तक ग्राउडोन सो ही रहा है, चल भाई एक बार और। गाइस बहुत ही ओपी वाली बैटल है ये, अगर ये उठ गया ना तो लाइनून की वाट लग जाएगी, लाइनून की लिटरली फट रही होगी यार उसके सामने, ये उठ गया अब लाइनून ख़त्म। सोचो अगर तुम्हारा एक छोटा सा पिकाजू इतने बड़े डायनासोर के सामने आ जाए, छोटा सा पोकेमोन, क्या हालत होगी यार उसकी, इवन मेरी फट जाए यार इतने बड़े पोकेमोन के सामने, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। शक्ल देखो यार उसकी, एक पूरा का पूरा जीता जागता डायनासोर है। हमें सबसे पहले यहाँ पर अल्ट्रा बॉल का ही यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली अल्ट्रा बॉल्स का यूज़ करना है जितनी ज़्यादा हो सके। उसके बाद ओ ओके, तो मैं इतनी आसानी से पकड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। ऑफ कोर्स ये एक अच्छा खासा पावरफुल पोकेमोन है, पावरफुल पोकेमोन्स आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, इन्हें पकड़ने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। और ये रेस्ट का यूज़ करेगा तो मैं भी सिंपली यहाँ पर अल्ट्रा बॉल्स का यूज़ करूँगा, क्योंकि जब तक ये रेस्ट का यूज़ करता रहेगा वापस इसकी हेल्थ भरेगी, और एक बार में ये हमारे पोकेमोन्स को फिनिश करेगा तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें सिंपली अल्ट्रा बॉल्स, व्हाट द फन जस्ट हैपेंड यार, भाई साहब ये कैसे हुआ, मतलब ओ भाई दूसरी अल्ट्रा बॉल में ग्राउडोन, प्राइमल ग्राउडोन को कैप्चर किया। ओ भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है, ओ भाई गाइस लाइक कर देना यार सभी लोग, ओ गॉड, मतलब मुझे लगा था यार इसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, मैंने उसे स्लीप में ही पकड़ लिया, नाइस, ये तो काफी जल्दी हो गया, उम्मीद से ज्यादा जल्दी, ओपी, मतलब सोचा नहीं था यार मैं इतनी जल्दी पकड़ पाऊंगा उस वाले पोकेमोन को, लेकिन ये आखिरकार कैप्चर कर ही लिया मैंने इसे, और ये पूरा जो भी रोशनी हो रही थी वो खत्म हो गई। वाओ वाओ दैट इज ऑसम यार, दैट इज ऑसम, मतलब मैंने सोचा नहीं था ये चीज़ें इतनी जल्दी होने वाली हैं,
वाओ सच में यार, मुझे ना हमेशा पता नहीं क्या होता मेरे गेम प्लेस में, हमेशा मैं पोकेमोन्स को जल्दी पकड़ लेता हूँ। वाओ दैट इज़ ऑसम यार। और फाइनली गाइस पूरे के पूरे होइन रीजन में शांति आ चुकी है हमारी वजह से, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में अब हमारा नाम होगा जय जय कार होगी, जय जय कार ऐसा कुछ गाना है ना। ओके एक 10 साल के बच्चे ने सभी को बचा लिया, बताओ पूरे होइन रीजन को, कसम से बहुत गजब का सीन है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल सीन, सो ऑसम, नाइस यार, मुझे तो एक कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब बेटा अगर तुमने टीम मैग्मा कुछ किया ना ऊट पटांग काम, तो इन्हें मैं क्या कहूँ यार, ये किसके मानने वाले हैं। यहाँ पर बरसात हो रही है, सितारे गिर रहे हैं, ये वही स्टोन है शायद, पूरे के पूरे दुनिया में, पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में, हर एक सिटी में सभी लोग देख रहे हैं आसमान में कि अब सब एकदम सेफ हैं, जो कुछ भी हुआ था वो एंड हो चुका है, जो भी कुछ बुरा हुआ था, ये ज़ेनिया है ना मेरे ख्याल से, ज़ेनिया है ये ड्रैकोनाइड वूमन, ड्रैकोनाइड ड्रैगन वाली वूमन। और ये हम आगे बाहर, भाई कितने टेस्ट से आओगे यार, हमने रोक दिया ग्राउंड उनको, कोई बात नहीं करेगा हनी इट्स रियली ओवर इजन इट, हनी वी ओ यू ग्रेट थैंक्स, लुक अबव यू द स्काई ओवर सुटोपोलिस हैज रिटर्न टू नॉर्मल, नाइस, भाई कितना प्राउड हो रहा होगा यार उसे, समहाउ इट्स सो वार्म, इज द एनर्जी दैट हैड बीन एमेज्ड डीप विद इन द केव ऑफ ओरिजिन नाउ फ्लोइंग आउट, ओके टू पावर ओवर द ग्रेटर वर्ल्ड, इट्स इफ द सर्टेनिटी एंड फियर फ्रॉम मोमेंट्स एगो नेवर इवन एग्जिस्टेड, माई हार्ट फील्स लाइक इट्स बीन सॉफ्टली सैड एट ईजी, ओके द सी और द लैंड पोकेमोन और ह्यूमैनिटी ऑल दिस टाइम वी जस्ट बीन ट्राइंग टू ग्रैब ऑन टू हैप्पीनेस फॉर वन ऑफ देम इवन इफ इट मीन डिस्ट्रॉइंग द अदर, लुक एट हाउ थिंग्स हैव टर्न आउट नाउ द वर्ल्ड्स गॉट इट्स नेचुरल बैलेंस बैक, हाँ ठीक है मुझे पता है आखिरकार तुम ही लोगों ने तो मुसीबत खड़ी करी थी, लेकिन जो भी उस चक्कर में मेरे पास में एक लेजेंडरी पोकेमोन तो आ गया, इन्होंने जो भी कुछ किया हो हम तो हीरो भी बन गए और लेजेंडरी पोकेमोन भी पकड़ लिया, वो भी सुपर एंशियंट लेजेंडरी पोकेमोन, एक डायनासोर जिसके ऊपर मैंने सवारी भी करी है, नाइस ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके ये क्या है, ये क्या बोलने वाला है, यू नो समडे वी एडल्ट्स आर गोना हैव टू हैंड दिस वर्ल्ड ऑफ टू लिटिल स्कैम्प एंड द रेस्ट ऑफ हिज जनरेशन, बट वॉट काइंड ऑफ वर्ल्ड्स आर वी एडल्ट्स गोना मेक, वॉट काइंड वर्ल्ड वी वॉन्ट पास टू दीज किड्स, इफ वी हैवंट बीन फिगर आउट अवर सेल्स वी नेवर गोना गेट एनीवेयर, सो वी गोना मेक अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर, सही बात है यार, अब जाकर इनका दिमाग की बत्ती जली, मेंटोस खा के आया पक्का, चलो भाई एंटोस खाया इसने, तभी तो इसके दिमाग की बत्ती जल गई और इसने हमें रेड ऑर्ब भी दे दिया जिससे हम शायद उसे प्राइमल फॉर्म में बदल पाएं ग्राउडन को, और अगर मैंने इसका यूज ना एलीट फोर में कर लिया तो एलीट फोर की वाट लग जाएगी, लेकिन मैं एक्चुअली मैं करूंगा नहीं, मैं लेजेंडरी पोकेमोन के साथ में नहीं खेलता आप सभी को पता है, तो इन सभी का यूज करना बेकार है, मैं लेजेंडरी पोकेमोन का यूज नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नॉर्मल पोकेमोन की टीम बनाऊंगा। और गाइस मैंने ना एक दो पोकेमोन जैसे मेरा लाइनून मैंने सिर्फ एचएम्स के लिए रखा है, कोई और पोकेमोन रखूंगा मैं जो कि मेरा फाइनल पोकेमोन होगा शायद सालमेंस, एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन, देखते हैं हम कौन सा रखने वाले हैं अभी डिसाइड नहीं किया, और यहाँ पर इसने हमें कुछ दिया भी था, देखेंगे बाद में आखिर वो है क्या चीज़, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना। एनीवेज यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं और चेरी ब्लॉसम भी हो रहा है, और गाइस आई थिंक ना आज के एपिसोड के लिए इतना काफ़ी है, पहले हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, और गाइस एक और बात, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिसने भी नहीं किया है, तो बहुत ही अच्छा एपिसोड था और हम हीरो बन गए, इसने क्या बोला इसने, व्हाट वुड यू थिंक इफ आई रियली सेड समथिंग, ओए मेरे को दोबारा सुनना है, एनीवेज तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता देना। सो गाइस मिलते हैं हम लोग पोकेमोन ओमेगा रूबी के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।